बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए मानो वहां गृह युद्ध शुरू हो गया हो, यानी वहां भूख और बेरोजगारी से परेशान लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान से हाल के दिनों में आई कई तस्वीरें ये बता रही हैं कि अनाज के लिए लोग सड़कों पर ही लड़ रहे हैं, जबकि कुछ रोज पहले तो कराची से आए एक वीडियो ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। कराची के उस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था और दावा किया गया था कि दो लोगों ने अनाज लूटने के लिए एक दुकानदार को गोली मार दी थी। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई थी। इससे पहले भी वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग आटे की एक बोरी के लिए आपस में झगड़ते दिखाई दिए थे, जबकि बलूचिस्तान में तो गेहूं लेने पहुंचे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस ने ही गोलियां बरसा दी थी। तब दावा किया गया था कि इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। और ऐसे ही हालात देखकर पाकिस्तान के लोग अपने लिए वहां की सरकार से मौत की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार महंगाई को काबू में करने की बात करके सिर्फ धोखा दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई किसी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रही है वहाँ की जनता का हाल यह है कि वो अब अपने लिए पाकिस्तान की सरकार से मौत मांग रही है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ सरकार से गुहार लगा रही है कि भूखे पेट मरने से अच्छा है कि वो खुद ही लोगों को मार दें। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो आवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में आटा पहले ही गायब हो चुका है, गैस भी लोगों के घरों से नदारद है और अब वहाँ पेट्रोल के दामों में भी आग लग गई है। वहाँ एक दिन में ही एक लीटर पेट्रोल का दाम 35 पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें। पेट्रोल के दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद शहबाज शरीफ सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खूब भला बुरा सुनाया, क्योंकि आटे गैस और पेट्रोल के बाद अब दाल भी उनकी पहुंच से दूर होने वाली है। यानी रोटी के बाद अब पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि ARY न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा है और उसने दाल की जो खेप विदेशों से आयात की है वो बंदरगाह पर अटकी हुई है, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसीलिए दालों के दाम भी पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बताया गया कि वहां दालों की कीमतें 60 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बढ़ गई, जबकि वहां के क्वेटा शहर में तो बसों के किराए में 100 से 500 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में कई लोग अब बंदूक के जोर पर खाने पीने की चीजें लूटने लगे। पाकिस्तान में पहले ही आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उनके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा। ऐसे में पाकिस्तान में अपराधों की लिस्ट बढ़ती जा रही। इस बीच पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से हैरान करने वाली घटना सामने आई। वहाँ कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक पोल्ट्री फार्म पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ 3 ट्रकों में लाए गए 5,000 मुर्गे लूट लिए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। खबर है कि बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। असल में पूरे पाकिस्तान में इन दिनों दूसरी चीजों की तरह चिकन के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चिकन 560 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंटरस्टेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काटो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।